हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज एक बहुत ही ज़रूरी हम बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, पर शायद हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी अपने रिश्तों से दुखी हैं, अगर आप भी परेशान हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को आपको ज़रूर सुनना है। दोस्तों, आजकल वैसे हर समय माना जाता है कि एक स्त्री एक अच्छी माँ होती है, एक पत्नी होती है। कई बार देखा गया है कि उनके पति अच्छे पद पर कार्यरत भी होते हैं, घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं होती है, पर फिर भी वो ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ने लगती है, क्रोध करने लगती है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है वो कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं से बहुत हर्ट है। दोस्तों, ये वो ज़माना गया जब शारीरिक शोषण माना जाता था या यौन शोषण होता था। आजकल के ज़माने में एक नए तरह का ही रोग चारों ओर पनपने लग गया है, जो धीरे धीरे इंसान को डिप्रेशन में लगाने लगता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई इस तरह की स्त्री है या फिर पुरुष हैं जो दोस्तों मानसिक रूप से कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, पर आपके सामने मुस्कुरा कर रहने का नाटक करते हैं, आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस तरह के केस में मेरे से एक लेडी मिलने आई थी। बहुत ही थोड़े दिनों पहले की बात है, हमारे नेबर में है और अक्सर उनके घर से वो कम ही आती जाती है। बहुत स्मार्ट लेडी है, पढ़ी लिखी है, MBA है और अपने काम को हमेशा बहुत ही तरीके से करती है, स्मार्टली स्माइलिंग वे में सबसे मिलती है, टाइम से ऑफिस जाना, टाइम से ऑफिस आना। उनके बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं और दोस्तों, पर फिर भी वो मुझसे मिलने आई। अक्सर उनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें, मारपीट की आवाज़ें आती थी, पर जब भी वो बाहर आती तो मुस्कुराती हुई आती थी। हम भी उनसे कुछ नहीं कहते, किसी का पर्सनल मैटर है, लेकिन दोस्तों फिर भी वो मुस्कुरा कर बड़ी स्वीटली चली जाती थी और हम भी मुस्कुरा कर चुप हो जाते थे। पिछले कुछ दिनों में वो मुझसे मिलने आई और मुझसे एक ही बात वो कहने लगी कि मुझ में और जीने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, मैंने उनसे पूछने की बहुत चेष्टा की कि क्या बात है, आप मुझे बताओ। पहले वो बात करने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि जिस परिवार को वो 15 साल से नियम से सेवा करती है, जिन बच्चों को उन्होंने बहुत ही प्यार से उनकी हर फरमाइश को पूरी करते हुए अपने परिवार और बच्चों ऑफिस सबके बीच एक संतुलन बनाकर दोनों चीज़ों को अच्छे से निभाने की कोशिश की है, दोस्तों आज वो टूट चुकी है एक छोटी सी वजह से, क्योंकि वो एक स्त्री है, ऑफिस में कार्यरत है और उनका सामना पुरुषों से होता है। लेकिन अगर एक स्त्री के दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना ना हो और उसका पति उसको शक की नज़रों से देखे और बच्चों को भी माँ के प्रति शक करने के लिए मजबूर कर दे, तो वह स्त्री मानसिक रूप से आहत होगी या नहीं होगी। ऐसे ही कारणों से धीरे धीरे वो पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुकी थी और इस हद तक भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी, अपनों से टूट चुकी थी, पति के टूटे विश्वास और उनके बच्चे उनके बारे में अपनी नानी को, दादी आदि को भी बोलते थे कि मम्मी का ऑफिस में अफेयर है। अब ऐसे पर्सन के साथ क्या होना चाहिए? दोस्तों, ये तो एक छोटा सा किस्सा है, ऐसे कई अनगिनत किस्से आते हैं जो अपनी एक गलत सोच के कारण पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, जिससे पूरे समाज का हनन होता है। दोस्तों, मानसिक रूप से आजकल जो ज़माना हो गया, अकेले रहते हैं लोग, अकेले रहते हैं बच्चे, और कई बार एक दूसरे से भावनाओं को शेयर नहीं कर पाने की वजह से वो टूट जाते हैं। दोस्तों, मैंने उनको एक ही चीज़ समझाई, ऐसे में मैं एक बार सुनकर सन्न ज़रूर रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या बोलूं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ से जूझ रही थी जो उसके अपने परिवार में हो रहा था। दोस्तों, मैंने उसे हिम्मत से काम लेने के लिए बोला और सबसे पहली बात, इग्नोर इज़ द वर्ड। आप जितना किसी की बात सुनेंगे, जितना उसे तवज्जो देंगे, उतना वो आपके सिर पर बैठेंगे। मैंने उनसे बोला, डायरेक्टली आप अपने पति से बैठकर बात करें कि वो इस प्रकार इनसिक्योर क्यों है, क्यों वो उनके पीछे लगे रहते, क्यों वो उनके ऑफिस में आने जाने वालों से बातचीत करने पर गलत गलत बातें बोलते हैं और क्यों वो बच्चों को भड़काते हैं। दोस्तों,
भावनात्मक रूप से जब कोई आपको शोषण करता है या इमोशनल अब्यूज करता है, तो दोस्तों वो आपको गुस्सा दिखाता है, अपने शब्दों से धोखा देता है या फिर आपको अपने बुरे व्यवहार से तकलीफ पहुंचाता है, आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है और इस तरह से दोस्तों आपके ऊपर बुरी बुरी टिप्पणियाँ करता है जिससे आप टूट जाएँ, ज़िंदगी में आगे ना बढ़ सकें और टूट करके हताश होकर के आप बैठ जाएँ। दोस्तों इमोशनल अब्यूज से निपटने के लिए सकारात्मक सोच रखते हुए रिश्ते में करवाहट आए दिए बिना अपने साथी के साथ आपको एक नए सिरे से ज़िंदगी बताने के लिए तैयार रहना चाहिए। खुलकर उनसे बात करें, समस्याओं का समाधान करें दोस्तों, तभी जा कर के आप एक इमोशनल अब्यूजिव रिलेशन से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों आप अपने चाहें तो अपने प्रति होने वाले व्यवहार के बारे में अपने किसी नज़दीकी दोस्त या किसी को आप अपना गॉडफादर या गॉडमदर मानते हैं, किसी को गुरु मानते हैं, कोई क्लोज रिश्तेदार हो जो आपका मजाक न बनाए, उनको बताने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं उनके साथ प्यार और समर्थन पाने के लिए यह आवश्यक होता है आप किसी को भी अपने साथ हो रहे इस इमोशनल अब्यूज़ के बारे में निदान मांगें। दोस्तों मानसिक यातना देने वाले साथी की मनोस्थिति को समझें, जाने कि वो आपसे किस बात पर नाराज है या नाखुश रहते हैं और समझने की कोशिश करें। अगर उनकी रीज़न वाजिब है तो वो आपसे जो अपेक्षाएं रखते हैं वो अवास्तविक हो तो उन्हें डायरेक्टली बैठ करके समझाएं आराम से कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। दोस्तों इस समस्या से निपटने के लिए किसी अन्य माध्यम की भी आपको तलाश करनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर इस तरह का आपको कोई शोषण करता है, आपको घरेलू हिंसा करता है, आपको खोखला कर देने के लिए घुन की तरह खा जाता है, और दोस्तों शोषण के बारे में बात करते वक्त सिर्फ ज़ेहन में हमारे शारीरिक शोषण आती है, शारीरिक शोषण से ज़्यादा खतरनाक आपको अपनी बातों से तकलीफ़ पहुँचाना या आपको नियंत्रण करने की कोशिश करना होता है। कोई लोग आपको लगातार कोस सकते हैं, दोष दे सकते हैं, ताने मार सकते हैं, आप पर चिल्ला सकते हैं, भावनात्मक तौर पर आपसे खुद को दूर रखते हैं, आपको मूर्ख बोलते हैं, मोटे बोलते हैं, बदसूरत कहते हैं, आपकी जाति, आपके लिंग, आपके उम्र या आपकी व्यक्तिगत बातों का मजाक उड़ाते हैं, आपसे आपको ये जताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं या फिर बिल्कुल इग्नोर करने लगते हैं, आप में दिलचस्पी नहीं रखते, ना ही कोई रुचि रखाते हैं। दोस्तों जब भी कोई रिश्ता होता है, हम बात करते हैं दोस्तों, तो कोई भी रिश्ता प्यार में ही पनपता है। जब भी कोई कपल साथ में होता है तो एक दूसरे का ख्याल रखता है, इज्जत करता है और ढेर सारा प्यार लुटाना चाहता है, लेकिन जब रिश्ते में इस प्रकार की बातें होने लगे, इससे कोई भी रिश्ता खराब हो सकता है। भावनात्मक शोषण न सिर्फ किसी रिश्ते को खोखला बनाता है बल्कि इंसान को अंदर ही अंदर घुन की तरह खाने लगता है। अगर आपके रिश्ते में भी ऐसा कुछ हो रहा है या फिर आप अपने आसपास इस तरह से किसी को घुटते हुए देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको इस विषय पर खुल करके बात करनी चाहिए। 2017 में ये हमें प्रॉमिस लेना है कि किसी को भी इमोशनल अब्यूज़ हम होने नहीं देंगे। अगर अपने आप ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, तो अपने दोस्तों और परिवार से मदद लें। थोड़ी सी कोशिशों से चेष्टा करें कि आपका रिश्ता संभल जाए, और अगर दोस्तों अगर आपको लगता है ऐसा रिश्ता नहीं संभल सकता है, तो अपने आप को शोषित होने से बचाने के लिए अपने पार्टनर को आपको दूर करना पड़ सकता है। दोस्तों इस समस्या से निपटने के लिए किसी भी माध्यम में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो अपनी भावनाओं को नॉर्मल रखने के लिए, अपने क्रोध को, अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए कोई माध्यम ढूंढ लें। आप चाहें तो लिखना शुरू कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दें, आप चाहें तो पेंटिंग्स कर सकते हैं, आप चाहें तो संगीत आदि में आप अच्छे थे तो आप संगीत के रास्ते में जा सकते हैं, अगर आप नृत्य जैसा शौक़ रखते थे तो आप डांसिंग आदि भी कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ों को करने के लिए आजकल तो बहुत सारे और भी चीज़ें होते हैं जो अक्सर लोगों के शौक़ होते हैं। मोबाइल से ना चिपके, मोबाइल से चिपकना राहत नहीं देगा दोस्तों, इससे आपके दर्द, आपके दिमाग में जो दर्द है और तनाव है वो और ज़्यादा हो जाएगा।
ट्राई करें अपने साथी के साथ बिताए गए खुशनुमा पलों को आप याद करें। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान इमोशनल अब्यूज कर रहा होता है उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता है। बस ऐसा करना उसके व्यवहार का एक डेली हिस्सा बन जाता है। ऐसा उसे आभास करवाएं कि वो इस तरह का व्यवहार करके आपको और आपके परिवार को कितना दुख पहुंचा रहा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों आत्मविश्वास ना खोएं। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हैं और अत्याचार अक्सर ऐसा होता है, देखा गया है कि अत्याचार सहते रहने से मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, लेकिन ऐसे में अपने आत्मसम्मान अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने बेहद ज़रूरी होता है। स्थिति में कोई टूट जाए तो दोस्तों आप आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी गतिविधियां करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। अपनी प्रतिभाओं को उभारें, अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखें, क्योंकि आपके साथ बुरा व्यवहार करने वाला इंसान उस योग्य ही नहीं है कि वो आपकी योग्यताओं को समझ सके। खुद से प्यार करना सीखें दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, अपनी केयर करना खुद से सीख जाएंगे, अपने आप को अहमियत देना सीख जाएंगे, तो चाहे वो बच्चे हों आपके, चाहे आपका पार्टनर हो, वो सभी आपको समझने लगेंगे। पर दोस्तों अपने सम्मान के साथ समझौता ना करें। अगर आप खुद में एक समय आता है अक्सर कोई अगर हमें कोसता रहता है, कोई हमें दिन भर नकारा बोलते रहता है दोस्तों, तो हम खुद में गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं कि हम कहां चूक गए, कि सब कुछ करने के बावजूद हमारे अंदर ये बोला जा रहा है। दोस्तों इससे आपके जीवन में सिर्फ नकारात्मकता आएगी, इसके सिवाय आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपका साथी किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं है तो आप किसी भी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। और दोस्तों अगर फिर भी कुछ ना हो सके तो एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी रिश्ता दो गाड़ी के पहिए होते हैं, एक पहिए पर कभी भी कोई गाड़ी नहीं चलती है। दोस्तों ऐसे रिश्ते को तोड़ देने में ज़्यादा भलाई है, और बार बार किसी अत्याचार सहना या दोस्तों आपके आसपास के लोगों को आपके सम्मान को ठेस पहुंचाना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं जो कि आपकी मृत्यु का भी कारण बन सकती है। इसलिए आज ही अगर आपको लगता है आपके आसपास कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुरंत दोस्तों इस पर एक फुल स्टॉप करें, वरना आगे भविष्य बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दोस्तों अपने फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, बच्चे, बड़े जो भी हैं, और जो भी आपको लगता है जिनके परिवारों में इस तरह के इमोशनल अब्यूज होते हैं, या आपको लगता है कि जो लोग इसका शिकार है, तो दोस्तों तुरंत इन वीडियोज को उनसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। एक नया खूबसूरत 2018 हम मनाएंगे। पिछली बातों को, पिछले जो भी इमोशनल अब्यूज है उसको हटाना है, फेस करना है, और एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनकर के बाहर लेके आना है। सो मेरे सभी बहनें जो टूट चुकी हैं, जो मुसीबत में हैं, जो इस तरह के रिलेशनशिप से गुजर रही हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये दोस्तों ध्यान रखें अपना। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।